हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारे यूट्यूबर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि उनका गूगल एड्स अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, पहले समझिए यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग योर एड्स फॉर यूट्यूब अकाउंट, कि आपका जो गूगल एड्स का अकाउंट है जो आप यूट्यूब चैनल के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो हम क्या करें, डीएक्टिवेट कर रहे हैं। नीचे लिखा है योर एड्स फॉर यूट्यूब अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड इन 30 डेज, कि 30 दिन में आपका गूगल एड्स का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और अगर आप इसको रीएक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। अब ये ईमेल आ रही है तो लोग कह रहे हैं हमारा चैनल जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो चैनल चल रहा हो जिस पे हम काम कर रहे हैं, अर्निंग भी हो रही है, उस पे ये ईमेल आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है जिस पे आप रेगुलर काम कर रहे हो, उस पे व्यूज़ आ रहे हैं, आपकी अर्निंग हो रही है, तो किसी भी सूरत में उस एडसन वाली ईमेल पे आपको इस तरह से मेल नहीं आ सकती। कहने का मतलब है, अब मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पे मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, अर्निंग भी हो रही है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो मुझे इस तरह से मेल नहीं आ सकती। तो आपका इस तरह का अगर कोई चैनल है जिस पे आप काम कर रहे हो, चैनल चल रहा है, अर्निंग भी हो रही है, ठीक है, गूगल एडसन के जरिए यूट्यूब चैनल पे एड्स भी चल रहे हैं, तो उस सूरत में आपको उस एडसन पे इस तरह की मेल नहीं आ सकती। जो एडसन वाली ईमेल होगी ना, इस तरह वाली ईमेल उस पर नहीं आ सकती। अगर आपको ये मेल आई है तो इसका ये मतलब है कि आपका कोई एक्स्ट्रा गूगल एडसन अकाउंट है, कोई एक्स्ट्रा जीमेल है जिस पे आपने एडसन का अकाउंट बनाया था, बट आप उसको भूल चुके, आपने उसको साइड में रख दिया कि यार ये मेरे काम कर रही है, मैंने तो दूसरा नया बना लिया। तो अब ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से जो आपको मेल आ रही है, ये एक ऐसे एडसन के अकाउंट की है जिस पे आप काम नहीं कर रहे, ये आपके काम का नहीं है, बिल्कुल डेड पड़ा है, एक्स्ट्रा आपने साइड पर रख दिया, ठीक है। तो ये उसके लिए मेल है। इसलिए अगर आप टेंशन ले रहे हो कि यार हमारा एडसन का अकाउंट 30 दिन के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका मेन चैनल है, आप उसका एडसन अकाउंट चेक करें और उस एडसन की मेल चेक करें, उस पर यह मेल आपको नहीं मिलेगी, ये ईमेल मिलेगी किसी दूसरे एडसन अकाउंट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे पब्लिशर आईडी भी आपको शो कराई जा रही है। आपने क्या करना है, यहाँ पे पब्लिशर आईडी देखनी है कि जो मेरा मेन चैनल है उसके साथ जो मैंने गूगल एडसन अकाउंट लिंक कर रखा है, जो मेरा चैनल चल रहा है, उस एडसन अकाउंट की जो पब्लिशर आईडी है वो कौन सी है, और जो ईमेल के अंदर पब्लिशर आईडी शो हो रही है ये कौन सी है। यकीनन आपको वहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, ये ईमेल पब्लिशर आईडी दूसरी होगी और जो चैनल की आपकी पब्लिशर आईडी है एडसन की, जो मेन चैनल के साथ एडसन लिंक है, उसकी पब्लिशर आईडी अलग होगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी किस्म का इस तरह का कोई इशू है गूगल एडसन के रिगार्डिंग, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए गाइड भी कर दूंगा, और अगर कोई ज़्यादा इशू हुआ तो उसके लिए हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। उसके लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नंबर अबाउट सेक्शन में, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं असल में कहना क्या चाह रहा हूँ इस ईमेल के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।